किसान संगठनों और सरकार के बीच चार दौर की बातचीत के बाद भी सहमति नहीं बनी। किसानों ने किया 21 फरवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान। किसान नेताओं ने सोमवार की रात सरकार के प्रस्तावों को ठुकराया। किसान नेताओं ने कहा सरकार के प्रस्ताव में कोई स्पष्टता नहीं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो आंदोलन ही नहीं होता। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा सरकार 23 फसलों पर MSP का फॉर्मूला तय करे, मौजूदा प्रस्ताव से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। डल्लेवाल ने MSP से सरकार पर बोझ पड़ने की दलील को गलत बताया। कहा सरकार बाहर से 2.25 लाख करोड़ का जो वनस्पति तेल मंगवाती है वही पैसा MSP पर दे तो बात बन जाएगी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा आरोप, कहा सरकार के मंत्री मीटिंग में कुछ और वादे करते हैं जबकि बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। सरकार के प्रस्ताव पर बढ़ते नजर आए किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन प्रमुख भूपेंद्र सिंह मान ने सरकार के प्रस्ताव को किसान के हित में बताया। भारतीय किसान यूनियन नेता ने सरकार के प्रस्ताव की तारीफ करते हुए कहा वर्चस्व की लड़ाई के चलते किसानों के हित को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने MSP वाली फसलों में ऑयल सीड्स और बाजरा को शामिल करने की मांग की। कहा मौजूदा प्रस्ताव से पंजाब को फायदा, हरियाणा को नहीं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। कोर्ट ने बैलेट पेपर और मतगणना का वीडियो पेश करने का आदेश दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने सोमवार को सुनवाई में बैलेट पेपर पर निशान लगाने की बात कबूल की थी। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के काम को हत्या के समान और लोकतंत्र का मजाक बताया। कहा अलग से केस चलना चाहिए। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। कहा मेयर के इस्तीफे से यह साबित हुआ चुनाव नहीं जीतने पर यह खरीद फरोख्त करते हैं। PM मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, 30,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। PM मोदी एम्स जम्मू का उद्घाटन करेंगे, फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी आधारशिला। PM मोदी कई अहम सड़क और रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, बारामूला खंड में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन का PM का कार्यक्रम, मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में होगा PM का संबोधन। करीब 1500 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे PM। विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे PM। आज शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 13,375 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। IIM जम्मू, IIM विशाखापट्टनम और IIM बोधगया के स्थायी कैंपस का उद्घाटन करेंगे PM। IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IISER तिरुपति, IIIT DM करनूल को स्थायी कैंपस की सौगात देंगे। IIT पटना, IIT रोपड़ के एकेडमिक और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। मोदी ने जम्मू दौरे को देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा शिक्षा क्षेत्र को IIT और IIM सहित अलग अलग संस्थानों का स्थायी परिसर मिलेगा। जम्मू में पटाखों पर 24 घंटे का बैन, पटाखे फोड़ने खरीद बिक्री पर रोक लगी। VVIP मूवमेंट को देखते हुए लिया गया फैसला। राहुल गांधी की मानहानि केस में आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी। 2018 में BJP नेता ने दायर किया था केस, गृहमंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी का है आरोप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रायबरेली पहुंचेगी। पदयात्रा के अलावा लोगों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। अमेठी में राहुल गांधी का BJP पर बड़ा हमला, कहा देश में BJP और RSS नफरत और हिंसा फैला रही हैं। राहुल गांधी का न्याय यात्रा के दौरान कहना था अगर जागोगे नहीं तो भूखे मर जाओगे। राहुल को स्मृति ईरानी का खुला चैलेंज, कहा हिम्मत है तो वायनाड से नहीं अमेठी से लड़े राहुल चुनाव। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी का स्वागत तक नहीं किया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीट का ऑफर दिया, अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। सपा के ऑफर को कांग्रेस ने स्वीकार किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी की, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट। सपा चीफ अखिलेश यादव के बयान पर शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा सीट शेयरिंग की बात है तो सभी पक्ष अपना फैसला ले रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडी गठबंधन की नहीं है, कांग्रेस पार्टी की है। उसमें जुड़ना या ना जुड़ने से गठबंधन कमजोर नहीं होता। कमलनाथ की बगावत की अटकलों से मध्य प्रदेश कांग्रेस कैंप में टेंशन, भोपाल में प्रदेश कांग्रेस की आज सुबह 11 बजे बुलाई गई बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह होंगे बैठक में शामिल, सभी विधायकों को किया गया तलब।
कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह का बयान, कमलनाथ को लेकर बीजेपी ने फैलाई अफवाह। मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा में होंगे शामिल। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। बीकानेर और उदयपुर में करेंगे जनसभा, कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राजस्थान में कांग्रेस को लगा झटका। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल, चार बार रह चुके हैं विधायक। कांग्रेस में सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों की सुनवाई, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद महेंद्रजीत मालवीय ने कहा। तेलंगाना में बीजेपी की विजयी संकल्प यात्रा का आज से आगाज होगा। पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए समर्थन मांगेंगे। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज से जन विश्वास यात्रा। आज मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में करेंगे जनसभा। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर बिहार के डेप्यूटी सीएम का तंज, उन्हें अपने परिवार के भ्रष्टाचार की लूट यात्रा निकालनी चाहिए। अखिलेश यादव पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, वो कुछ देने की हैसियत में नहीं है, उनकी सरकार ना तो केंद्र में है और ना ही राज्य में। स्वामी प्रसाद मौर्य का छलका दर्द, कहा अखिलेश ने बात करना तक जरूरी नहीं समझा, 22 फरवरी को आगे की रणनीति तय करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस का बोलने से इनकार। राशिद अल्वी ने कहा ये सपा का अंदरूनी मामला। कांग्रेस का जो हालचाल है उसमें उसे टूटना ही है, जेडीयू नेता राजीव रंजन का निशाना। बीजेपी सांसद संजय सेठ का बयान, इंडिया अलायंस के पास ना कोई नेता ना कोई नीति। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की सफाई, कहा मैंने ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला रात में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलना चाहते हैं। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला की दो टूक, अगर मुझे मोदी शाह से मिलना होगा तो मैं दिन में मिलूंगा। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली जाएंगे, कोर्ट ने जाने की इजाजत दी। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई पर रोक लगाई। संदेश खाली में एनसीडब्ल्यू चीफ ने हालात का जायजा लिया, कहा बहुत ज्यादा बुरा हाल है, राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने कहा संदेश खाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पुलिस से भी डर है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के संदेश खाली दौरे पर मंत्री शशि पांजा ने कहा डबल इंजन वाले राज्यों में क्यों नहीं जाती एनसीडब्ल्यू। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर आरोप, चुनाव से पहले कई लोगों के आधार कार्ड किए गए डीएक्टिवेट, पीएम को लिखी चिट्ठी। सीएम ममता बनर्जी ने वैकल्पिक कार्ड देने का ऐलान किया, कहा किसी गरीब के साथ गलत नहीं होने देंगे। मराठा आरक्षण को लेकर आज से महाराष्ट्र विधानसभा का दो दिनों का विशेष सत्र शुरू। मराठा समुदाय के लिए अलग से आरक्षण कानून बनेगा। अजीत गुट को असली एनसीपी करार देने का मामला, शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अजीत पवार पर जितेंद्र आहवाड़ का अटैक, कहा वो शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक, कांग्रेस शिवसेना और शरद गुट में महाराष्ट्र की सीटों पर बात हुई। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने कहा हफ्ते भर में हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का बयान, सीट शेयरिंग पर यूबीटी शिवसेना का रवैया ठीक नहीं, कांग्रेस भीख नहीं मांग रही। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में आए मेहमानों को दिया डिनर, सीएम आवास में मेहमानों की मेजबानी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले पहले की सरकारों के समय भर्ती की प्रक्रिया में कितनी धांधली और गड़बड़ी होती थी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा मुझसे कोई माता पिता कहते हैं कि जब से नकल विरोधी कानून लागू हुआ तब से बच्चों का चयन होने लगा। पाली पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला पहुंचे, विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश, बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लद्दाख के द्रास में ताजा बर्फबारी, पहाड़ सड़क मकान और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी से द्रास के स्थानीय लोग काफी खुश, कारोबारियों में सैलानियों के आने की उम्मीद बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाके केलांग में भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी परत, सड़क गाड़ियों और मकानों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में मौसम का मिजाज बदला, बर्फबारी के साथ बारिश हुई। तेलंगाना के रंगारेड्डी में स्कैन एनर्जी कंपनी में विस्फोट, हादसे में 3 लोग घायल हुए, सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। विस्फोट का कारण पता लगाने में जुटी पुलिस। कंपनी में विस्फोट के बाद अफरा तफरी मची, पूरे इलाके में धुआं धुआं भरा। विशाखापट्टनम में नौसेना का मिलन 2024 एक्सरसाइज, 9 दिवसीय एक्सरसाइज में 50 से अधिक देश ले रहे हैं हिस्सा। नौसेना के फाइटर और हेलीकॉप्टर्स ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए, पैराट्रूपर्स ने भी करतब दिखाया।
फ्रांस के संसदीय डेलीगेशन ने की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात। भारत और फ्रांस के बीच संसदीय आदान प्रदान पर बातचीत हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कैबिनेट के साथ जाएंगे अयोध्या। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा अर्चना का कार्यक्रम। कर्नाटक सरकार और टाटा ग्रुप को दो कंपनियों के बीच करार। 2300 करोड़ का करेगी निवेश। एयर इंडिया और TASL कर्नाटक में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी करेगी तैयार। 1650 लोगों को मिलेगा रोजगार। रांची टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को मिल सकता है आराम। मुकेश कुमार या आकाशदीप को मिल सकता है टीम में मौका। अश्विन चौथे टेस्ट में तोड़ सकते हैं अनिल कुंबले का रिकॉर्ड। 3 विकेट लेते ही बन जाएंगे भारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज। यशस्वी जायसवाल ने की इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंड्रूसन की तारीफ। कहा वो एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। अनिल कुंबले ने यशस्वी जायसवाल को सलाह दी, अब बल्लेबाजी के साथ साथ करें गेंदबाजी। कहा कप्तान रोहित शर्मा से करें बात। अनिल कुंबले की सलाह पर यशस्वी जायसवाल ने कहा, मैं रोज गेंदबाजी कर रहा हूं, कप्तान ने मुझे तैयार रहने को कहा है।